हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रकाश पाइप लिमिटेड के बारे में। तो इस शेयर का अगला टारगेट क्या हो सकता है, इस शेयर को कब खरीदना चाहिए, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, 17 मार्च 2022 को ये शेयर आपका ओपन हुआ था मार्केट में, एमएससी में 173.40 पे हाई गया था, रुपीज 173.40 मतलब जिस प्राइस पे ये शेयर ओपन हुआ था वही उसका हाई प्राइस था, एंड लो गया था 165.60 एंड क्लोज हुआ था 166.90। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है रुपीज 399.91 करोड़, इंटरप्राइज वैल्यू है रुपीज 369.05 करोड़ एंड पीई रेशियो है आपका 9.13। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेट है रुपीज 156 करोड़ का, तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.01। अगर किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से कम ही है। और एक चीज देखिए, अभी कंपनी के पास कैश कितना है, कैश है आपका रुपीज 32.42 करोड़। इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है, इवन मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 1.56 करोड़ का डेट है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का ईपीएस है रुपीज 18.30, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.11% एंड आरओसी आपका है 31.65%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था कितना, 44.65% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 23.63%। ये जो आपका कंपनी है प्रकाश पाइप, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 57.81%, प्रमोटर्स का होल्डिंग है 41.72%, एफआईआई का है 0.45% एंड डीआईआई का है 0.02%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही। और एक चीज देखिए, दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 38.99%, आपका मार्च से लेके जून तक प्रमोटर्स का होल्डिंग था 40.4%, सितंबर में देखिए प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, अभी हुआ है आपका 41.72%। इसका मतलब क्या, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रमोटर जो है उन लोगों का जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज कर रहा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। उसके बाद अभी देखिए, इस मतलब अभी जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका 9% शेयर प्लेज है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा ही शेयर प्लेज है। लेकिन अच्छा चीज क्या है, देखिए पहले ये जो प्लेजिंग शेयर का परसेंटेज था वो आपका था 2020 दिसंबर में 29.54%, उसके बाद आपका मार्च 2021 में हुआ 19.10%, उसके बाद आपका जून 2021 में भी आपका 19.10% था, एंड सितंबर 2021 में प्रमोटर्स ने उसका जो प्लेजिंग शेयर का परसेंटेज है उसको घटा के ले आया है आपका 9% में, जो कि एक अच्छा बात है। मतलब हर एक क्वार्टर में प्रमोटर्स ने आपका जो उन लोगों का जो आपका प्लेजिंग शेयर का परसेंटेज है उसको घटा रहा है, जो कि आपका फंडामेंटली एक अच्छा बात है। मतलब क्या, कंपनी आपका ग्रो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और एक चीज देखिए, ये जो प्रकाश पाइप्स कंपनी है, इस कंपनी में मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर डॉली राजीव खन्ना सर ने कितना आपका होल्डिंग करके रखा हुआ है, 5.42 करोड़ का, आपका 2021 दिसंबर तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से, जो कि एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार चार्ट पे। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, तो ये आपका था 3 मार्च का दिन, यहाँ पे ठीक है 3 मार्च का दिन एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल दे दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है, एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 200 डेज, 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए आपका लगभग 60 का जो पॉइंट है उसके नजदीक ही है, और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल डेली चार्ट में यहाँ पे हर एक इंडिकेटर हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। और एक चीज देखिए, ये आपका था जनवरी 2022 का सेकेंड वीक, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था
एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे 5 हफ्ते से यहाँ पे हम लोगों को फिर से आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा, जो कि एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ऐसे 50 डेज एंड 100 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर ही टच करते हुआ दिख रहा है। RSI भी आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट में भी यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका 2020 जून महीने में यहाँ पे देखिए एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, उस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया था, तब से ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भागा। लेकिन बीच में देखिए 5-6 महीने से ये शेयर गिर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर से देखिए ये शेयर अभी आपका यहाँ से यहाँ पे आपका अपटेन हो चुका है और इसी महीने में देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा एंड इसी कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया, जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी आपका अबव 60 है, लेकिन MACD अभी भी 0.0 से नीचे है। लेकिन 0.0 से नीचे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 166.67, अगर इसी रेंज में इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30 से 40 दिन का भी है तो मुझे जो लगता है कि 30 से 40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 180 का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।